से ना रुके हम, बरसी से चले हम, बादल सा घर छे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हाय फिफ्थ के बच्चों, कैसे हो? तो हम पढ़ रहे हैं आपका SST का जो यूनिट है मैप्स, ठीक है। उसका हमने क्वेश्चन कर लिए, यूनिट कवर कर लिया। अब हम आएंगे आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है सेक्शन, उसको हम आज पढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स क्या होता है? खाली जगहों को हमने भरना है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका, देखिए, द स्केच ऑफ ए प्लेस ऑन ए प्लेन सरफेस इज कॉल्ड ए डैश, ठीक है। एक स्केच बनाना, एक मतलब चित्र बनाना किसी प्लेन सरफेस पे, ठीक है, प्लेन सतह पे बनाना, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मैप, MAP, मैप। मैप होता है नक्शा, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड, द बुक ऑफ डिफरेंट मैप्स इज कॉल्ड एन डैश, मतलब वो बुक जिसमें हम काफ़ी सारे मैप्स को इकट्ठा करके एक बुक बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एटलस। एटलस क्या होता है? मैप्स की बुक होती है, ठीक है, ATLAS, ठीक है, एटलस। तो पॉइंट नंबर थर्ड है आपका, द अपर एंड ऑफ ए मैप इंडिकेट्स, जो आपका मैप होता है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है अपर एंड, वो किसकी तरफ इशारा करता, मींस उस एंड को हम क्या कहते हैं? तो वो होता है आपका नॉर्थ डायरेक्शन, NORTH DIRECTION, नॉर्थ डायरेक्शन। तो पॉइंट नंबर आपका फोर है, डैश इज यूज्ड टू इंडिकेट ग्राउंड एरियाज ऑन ए मैप, मतलब एक मैप पे अगर ग्राउंड को मतलब दिखाना है हमने, तो कौन सा कलर हम इस्तेमाल करेंगे? वो होगा आपका ग्रीन कलर, हरा रंग, ठीक है, GREEN, ग्रीन, COLOUR, ग्रीन कलर आपका जो हरा रंग होगा उसको हम इस्तेमाल करते हैं अगर किसी एरिया मतलब ग्राउंड पे कोई एरिया हमने दिखाना है मैप पे, ठीक है। पॉइंट नंबर आपका फाइव है, ब्लू कलर ऑन ए मैप इज यूज्ड फॉर डैश, किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो वो होता है वाटर बॉडीज के लिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।